कितने समय तक? 5 बजे तक। देर तो नहीं होगी? तुम लोग कितनी देर तक सुन सकती हो? घबराओ मत, बहुत देर सुनाऊंगा। ठीक नहीं है भाई इसके। अखिलेन, इसकी आवाज ठीक करो पहले। बुध मंगलमय समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज हम लोग, वैसे तो निवास हो ही रहा है लेकिन एक नए मकान के उद्घाटन का हो या गृह प्रवेश कहो, उसके उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। इस एकत्र होने का फल क्या होना चाहिए? यदि केवल फॉर्मेलिटी निभाने के लिए एकत्र हुए हैं, या कहीं भी एकत्र होते हैं केवल फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, तो जीवन फॉर्मल बन करके रह जाएगा। औपचारिकता निभाते निभाते जीवन ही औपचारिक हो जाता है। न बाहर बदलाव होता है, न भीतर बदलाव होता है। किसी भी प्रसंग में एकत्र होने का फल क्या है? एकत्र आदमी दो अवसरों पर होता है प्रायः। एक है सुख का अवसर, पुत्र जन्मोत्सव सुख का अवसर माना जाता है। गृह प्रवेश सुख का अवसर है। विवाह शादी आनंद का अवसर माना जाता है। इस समय भी लोग, रिश्तेदार नातेदार कुल कुटुंब के लोग, मित्र परिजन एकत्र होते हैं। और दूसरा अवसर इसके ठीक विपरीत होता है, जब परिवार में किसी का देहावसान होता है, जिसे मृत्यु कहते हैं, और दुख का अवसर होता है। इस सुख के अवसर पर और दुख के अवसर पर एकत्र होने का फल क्या होना चाहिए? अनेक बार हम और आप लोग अनेक जगहों पर एकत्र हुए होंगे, अनेक लोगों से मेल मुलाकात हुई होगी। कभी सोचा कि इस मेल मिलाप का पर जीवन में परिणाम क्या आया? केवल व्यवहार निभाने के लिए एकत्र होते हैं? नहीं जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे, नहीं जाएंगे तो मित्रता टूट जाएगी, रिश्ते में खटास उत्पन्न होगी। तो कभी आप जीवन में प्रसन्नता का, आनंद का, सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे। एकत्र होने का परिणाम है आपस में प्रेम की वृद्धि होना, प्रेम बढ़ना। एकत्र होने का परिणाम है कि आप केवल अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। एक संबल देना, मनोबल बढ़ाना, और यह भावना पैदा नहीं हुई। एकत्र होने के पश्चात प्रेम भाव नहीं बढ़ा। जिनके घर गए
जिनसे मिले उन्हें यह विश्वास नहीं दिला पाए कि हम आपके हर अवसर पर संग साथ हैं। तो मिलना जुलना केवल औपचारिकता निभाना हो जाएगा, ऊपर ऊपर वो हो जाएगा, खा पी लेंगे, मिल जुलेंगे, हंसी मजाक कर लेंगे, रह जाएंगे, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और हो रहा है यही, प्रेम बढ़ना चाहिए, विश्वास बढ़ना चाहिए। संतों ने बताया शुरुआत में मकान और घर में अंतर क्या होता है, ये भी बताया कि कोई भी हो, नया मकान हो, पुराने मकान हो, मकान बनता है दीवाल खड़ी करने से। दीवाल कैसे खड़ी होती है? ईंट पर ईंट रखते जाने से। लेकिन ईंट पर ईंट रखते जाने मात्र से दीवाल खड़ी नहीं होगी। दीवाल को खड़ी रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है दो ईंटों का आपस में मजबूती से पकड़ होना। और ईंटों में मजबूती से पकड़ तभी बनती है जब दो ईंटों के बीच में मसाले का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सीमेंट बालू का मसाला हो, जिसे आप गारा कहते, गिलावा कहते हो, या मिट्टी का ही हो, चूना का हो, कुछ भी हो, दो ईंट को जोड़ने के लिए एक मसाले का प्रयोग होता है, अन्यथा ईंटें आपस में जुड़ेगी नहीं, दीवार ढह जाएगी, मकान बनेगा ही नहीं। ईंटें दिखाई पड़ती है, मसाले बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार घर में, मकान में जितने भी लोग हों, बूढ़े जवान, बालक, स्त्री पुरुष, सब एक एक ईंट के समान हैं। ये ईंटें आपस में तभी जुड़ी रहेंगी जब मकान में या घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं आपस में दूसरे के प्रति समर्पण भाव होगा, सेवा भाव होगा, आदर भाव होगा, प्रेम और विश्वास का भाव होगा। जहां माँ बाप के प्रति सेवा आदर का भाव है, पति पत्नी, भाई भाभी, देवर भाभी, भाभी देवरान जेठान में प्रेम और विश्वास का भाव है, छोटे बच्चों के लिए स्नेह का भाव है, जिस परिवार में बड़ों के लिए आदर भाव नहीं है, सम्मान सेवा का भाव नहीं है, आगे चल करके उस परिवार में विघटन होना है और दुख पैदा होना है। अंग्रेजी में परिवार को फैमिली कहा जाता है। फैमिली में 6 अक्षर हैं अंग्रेजी के, इंग्लिश अल्फाबेट के 6 अक्षर हैं, FAMILY। कभी सोचा है इसका अर्थ क्या होता है? F मतलब फादर, बीच में A है, A का मतलब होता है एंड, फिर M का मतलब है मदर, फादर एंड मदर, ILY है, I का मतलब आई, L मतलब लव, वाइस मतलब यू, फादर एंड मदर, आई लव यू, इट मीन्स फैमिली। और फादर और मदर के प्रति प्यार नहीं है, आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, तो फैमिली का अर्थ ही क्या होगा फिर? फिर परिवार का महत्व क्या होता है? मैं कह रहा था कि बड़ों के प्रति आदर, सम्मान, सेवा, आज्ञा, हर व्यक्ति को
ये सोचना चाहिए कि मैं अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनसे क्या चाहता हूं। हर पिता को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने पुत्र से क्या चाहता हूं। हर सास को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने बहू से क्या चाहती हूं। हर पिता अपने पुत्र से आदर चाहता है, सेवा चाहता है। तो यही आप अपने पिता को देना शुरू करो, अपने आप मिलेगा आपको। हर सास अपनी बहू से आदर चाहती है, प्रेम चाहती है, सेवा चाहती है। क्या अपनी सास को आदर, सेवा, प्रेम दे रही हो? सोच लेना जरा। ये हमारी बहनें सामने बैठी हुई अधिक मात्रा में, विश्वास अलग अलग होते हैं, रुचियां अलग अलग होती है। क्वार का जब महीना आता है, नवरात्र आता है क्वार में, तो जगह जगह दुर्गा की मूर्ति की स्थापना होती है, दुर्गा पूजा होती है। अच्छा है, एक सांस्कृतिक माहौल बनता है, उत्साह होता है, गलत नहीं है। बड़े प्रेम से उस दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की जाती है, पूजा की जाती है, आरती वंदना की जाती है, उसे प्रसाद चढ़ाया जाता है। अच्छा है, चलो भक्ति भावना तो है, लेकिन तुम लोग जरा ये सोचो, चाहे वो मूर्ति स्थापना जाके जगह जगह दुर्गा की मंदिर, दुर्गा का मंदिर होता है, वहां दुर्गा की मूर्ति होती है, उसकी पूजा होती है, आराधना होती है, वंदना होती है, आरती होती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, बहुत कुछ होता है। जरा ये सोचो, जिस पति को पाने के लिए हर लड़की अपने जन्म देने वाले माँ बाप का त्याग करती है, सगे भाई बंधु का त्याग करती है, अपने जन्म घर जन्म भूमि का त्याग करती, सखी सहेलियों का त्याग करती, उस पति को मंदिर के दुर्गा ने पैदा किया है या सास ने, घर रूपी घर में सास रूपी दुर्गा है उसने पैदा किया है? मंदिर की दुर्गा उसकी पूजा, और घर में जो दुर्गा है सास, उससे लड़ाई झगड़ा हो गई, दुर्गा की पूजा हो गई, तुम्हारी भक्ति की आराधना, तुम्हारी भक्ति पूरी। इस भक्ति से कभी भी जीवन में आनंद नहीं आएगा, कभी आदर नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। इसी प्रकार हर सास को ये चाहिए कि मैंने बेटे को जन्म दिया, पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब अपने बेटे को मैं संभाल करके नहीं रख सकती, और मेरे बस में नहीं रहेगा। तो आप अपने बेटे को संभालने के लिए उसकी शादी करके एक बहू लाते हैं दुर्गा ग्रुप में, उस बहू के साथ आपका व्यवहार कैसा है? जो बहू अपने माँ बाप को छोड़ करके तुम्हारे बेटे को सुरक्षित रखने के, सुरक्षा देने के लिए, सेवा करने के लिए आती है, उस बहू साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है? यदि उस बहू साथ प्रेम का व्यवहार नहीं है, स्नेह का व्यवहार नहीं है, तो मंदिर की दुर्गा तुम्हें नरक ही भेजेगी, याद रखना, और कुछ नहीं करेगा। केवल ये पत्नी के लिए, सास के लिए, बहू के लिए नहीं है, माँ बाप के लिए, सबके सबके लिए है। बात यह है, सबसे बड़ा मंदिर हमारा घर। मंदिर तो बहुत होते हैं, लेकिन बाहर के मंदिर से कल्याण नहीं होगा। कितनी पूजा कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, चाहे घर में मंदिर बना लो, और कितने तमाम देवी देवता ला कर रख लो, लाते हो मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन मंदिर का देवता तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, और बाहर का मंदिर भी कल्याण नहीं करेगा। मंदिर मंदिर तो एक उपासना स्थल होता है, किसी महापुरुष के वहां मूर्ति होती है, जाते हैं महापुरुष की याद आती है,
पूजा करने से संस्कार अच्छे बनते हैं, मन में प्रसन्नता आती है। वहां बैठ करके आदमी थोड़ा सा ध्यान चिंतन करता है, अच्छा है। लेकिन जब तक घर मंदिर नहीं बनेगा तब तक बाहर के मंदिर से काम बनने वाला नहीं है। मैंने कहा था कि घर मंदिर, घर को मंदिर कैसे बनाना है। देखो, सुबह उठो और उठ करके बिस्तर पर बैठ जाओ, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, जो बूढ़े हो, जो भी हो, जो इतने समझदार लोग हैं, जिनके पास समझने की बुद्धि है, उठो, बिस्तर पर बैठो 2-3 मिनट और ये सोचो, तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं, माता पिता है, सास ससुर है, पति है, पत्नी है, भाई है, भाभी है, ननद है, भावज है, देवरान जेठान है, बेटा है, बहू है, भतीजा है, कुछ भी है, जितने भी लोग तुम्हारे घर में हैं, सब में क्या क्या अच्छाई है, इसकी या तो बुराई भी है। हर आदमी में बुराई भी है, हर आदमी में अच्छाई भी है। यदि सुबह उठते ही घर वालों की बुराई की याद करोगे, और लोग अक्सर यही करते हैं, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सुबह उठते ही घर वालों की बुराई याद हो जाती है। उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये कहा, और जितनी बुराई की याद करोगे, समझ लेना तुम्हारा घर कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा, जहां कौरव पांडव की लड़ाई हुई थी आपस में, कोई रोकेगा नहीं। आज तो घर घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, ननद देवरान लड़ रही है, सास बहू लड़, सर घर में कौरव पांडव के दल है, और चाहते हैं सुख। मंदिर में भगवान बना कर रखे हो, क्या कर रहा है तुम्हारा भगवान, कौन सा सुख दे रहा है तुम्हें, लड़ने से भी तो रोक नहीं पा रहा है तुमको, तुम्हारा कल्याण कैसे कर देगा। इसलिए सुबह उठो और उठ करके घर में जितने भी लोग हैं सबके अच्छाई को याद करो। हर आदमी में अच्छाई, हर आदमी में उसकी अच्छाई को याद करो, और रोज जितनी उसकी अच्छाई को याद करोगे, चाहे वो कोई भी हो, उतना मन में कोमल भावना आएगी। और मन में जो कोमल भावना आएगी तो उसके प्रति आदर बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। अब जो कोमल भावना, आदर, सम्मान, प्रेम ये सब बढ़ जाएंगे तो वाणी मीठी निकलेगी। प्यार भरी वाणी निकलेगी। और जब प्रेम आदर का भाव होगा तब व्यवहार भी सुंदर होगा। जब मन में सबके लिए प्रेम आदर सम्मान का भाव है और वाणी कोमल है, मीठी है, व्यवहार सुंदर है, घर तो मंदिर बन गया ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, हर आदमी अपने लिए कोमल मीठी वाणी ही चाहता है, कोई हो कोई हो, सबका मन कोमल मीठी वाणी सुनकर ही प्रसन्न होता है, कटु कड़वी वाणी सुनकर के मन प्रसन्न नहीं होता। किंतु दुर्भाग्य यह है, अपने लिए कोमल मीठी वाणी चाहने वाला आदमी दूसरों के लिए कटु और कड़वी वाणी बोलता चला जाता है। आदमी की कमी क्या है, जैसे जैसे भोजन तो होता है,
एक तरफ मिठाई रखी हुई हो, एक तरफ तीखी चीज रखी हुई हो, कड़वी चीज रखी हुई हो, तो आदमी कड़वी चीज को पसंद नहीं करता, मीठी चीज को पसंद करता है। मीठी चीजें खाता है आदमी, कड़वी चीजें नहीं खाता। आदमी कमी क्या है, खाता है मीठा, बोलता है कड़वा। बस यही तो गड़बड़ी हो रही है सब बिहार में। अरे मीठा खाओ तो मीठा बोलना तो शुरू करो। और ये भी कहा गया है, जो आदमी मीठा बोलना जानता है, सबसे मीठा बोलना जानता है, मीठा बोलने वाले आदमी का कड़वा करेला और कड़वा मिर्चा जल्दी बिक जाता है, किंतु कड़वा बोलने वाले आदमी का मीठा गुड़ भी जल्दी नहीं बिकता है। इतनी नियम, तो मीठी वाणी, कोमल व्यवहार, आदर, इनसे हमारा घर मंदिर बन सकता है, बन जाता है। और मंदिर में कौन रहते हैं, देवी देवता। ये जो प्राणी है ना मनुष्य, यही देवी देवता है। आज तो हजारों देवता है, कहा जाता है 33 करोड़ देवता का है कहे जाते हैं। लेकिन शुरुआत में बहुत पहले केवल 4 देवता माने गए थे, केवल 4 देवता, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। पहला देवता माता, और ये भी समझ लो आप लोग तीर्थ यात्रा करते हैं ना, अच्छा है तीर्थम जाना, गलत नहीं है, जाने से देश काल का ज्ञान होता है, देखने से ज्ञान बढ़ता हमारा, देखने सुनने को मिलता है, राष्ट्रीय भावना बढ़ती है, संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है और बहुत कुछ मिलता है, तो तीर्थम जाना गलत नहीं है। लेकिन दुनिया का सबसे पवित्र तीर्थ व्यवहारिक दृष्टि से, ऐसे सत्संग तीर्थ 4 होते हैं, एक व्यवहारिक तीर्थ, एक भौतिक तीर्थ, एक धार्मिक तीर्थ और एक आध्यात्मिक तीर्थ। व्यवहारिक दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र तीर्थ क्या है, कहाँ है जानते हो? दुनिया का बिहार में, कहीं भी दुनिया में, दुनिया का बिहारी तीर्थ सबसे पवित्र, सबसे बड़ा तीर्थ है माँ की गोद, उससे बड़ा तीर्थ और कहीं नहीं है बाहर। हम सब वहीं से आगे बढ़े हैं। एक माँ की गोद में जाकर के बच्चे को कितना सुकून, कितनी निर्भयता, कितनी शांति मिलती है। बिहारी तीर्थ में मां की गोद से बढ़ करके और दूसरा कोई तीर्थ बड़ा नहीं है। और जो आदमी अपनी मां के साथ ही दुर्व्यवहार करता है, उससे कटु बोलता है, उससे गाली देता है, उससे बड़ा अभागा और नायकी कौन हो सकता है? ऋषियों ने कहा था मातृदेव भव, पहला देवता माता, फिर दूसरा देवता पितृदेव, पिता। मां के बाद ही पिता का नंबर आता है। लिखा गया है शास्त्रों में, बच्चा यदि, बेटा बाहर से एक घर में आता हो, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो, और घर में माता पिता दोनों एक साथ बैठे हुए हों, तो बेटा को चाहिए पहले माँ का प्रणाम करे, तब पिता का प्रणाम करे। हम
सीता राम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते। पहले सीता तब राम, पहले राधा तब राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं कहा जाता है, राधा कृष्ण कहा जाता है। पहले राधा तब कृष्ण, पिता माता नहीं कहा जाता है, माता पिता ही कहा जाता है। माँ का नंबर पहले, पिता नंबर बाद में आता है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि पहला देवता माँ, दूसरा देवता पिता, तीसरा देवता आचार्य गुरु, जिन्होंने हमें लिखना पढ़ना सिखाया, ज्ञान दिया, जीवन जीने की कला बताई, जीवन जीने की सीख दी, जीवन का जो उद्देश्य है आत्म शांति आत्म कल्याण उसका रास्ता बताया, वो गुरु तीसरा देवता। और चौथा देवता अतिथि, मेहमान। वैसे अतिथि का अर्थ ये होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, कोई समय ना हो। आपने निमंत्रण दिया, ये तो निमंत्रण पाकर आया है, यह अतिथि नहीं है, मेहमान है। जो बिना सूचना दिए आता है अतिथि उसको कहा जाता है। लेकिन आज बिना सूचना दिए आएगा ना तो लिखा रहेगा कृपया कुत्ते से सावधान रही है। पहले तो लिखा रहता था घर घर में, आइए पधारिए, लिखा था आइए पधारिए आपका स्वागत है। अब तो लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। लेकिन चाहे मेहमान कहो, पहुना कहो, जैसा भी हो, जैसे आप चाहे बिन बुलाए आए हो या बुला कर आए हो, अतिथि चौथा देवता। ये चार देवता, माँ मनुष्य है, पिता मनुष्य है, गुरु मनुष्य है, अतिथि मनुष्य है। और इनके साथ गलत व्यवहार, घर में लड़ाई, कलह, झगड़ा, विवाद, तो मंदिर का भगवान आपका बेड़ा पार कैसे करेगा? वो तो आपने बनाया। किसी भी मंदिर में भगवान है वो अपने आप जाकर के नहीं बैठा है, आदमी बना करके बैठाया है। अब बनाने वाला बड़ा होता है, बनी हुई चीज बड़ी नहीं होती है। भावना पूछते हो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि अपने घर को मंदिर बनाओ, और घर जब मंदिर बन जाएगा तब सबके मन में आनंद की धारा बहती चली जाएगी, तब आगे होगा। हर माँ बाप की सोच होती है कि अपने बच्चों के लिए हम बढ़िया मकान बना दें, उसके लिए खूब धन कमा करके रख दे, इकट्ठा करके रख दे, जायज नाजायज तरीके से बड़ी दुकान बनवा दे, उसके लिए बड़ा व्यापार करवा दे, बहुत जमीन खरीद दे। अच्छी बात है, अच्छी सोच है, गलत नहीं है। लेकिन अपने बच्चे को यदि सुखी जीवन जीते देखना चाहते हो तो धन देने के पहले धर्म की सीख दो, संस्कारों की सीख दो। जो लोग अपने बेटे को मात्र धन तो देते हैं, धर्म की सीख नहीं देते, संस्कारों की सीख नहीं देते, अच्छे संस्कार नहीं देते, वो बेटा माँ बाप से पाए धन को जुआ शराब व्यभिचार पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ाकर खत्म कर देता। बिना मेहनत का मिला हुआ धन कोई दर्द नहीं होता है। इसलिए अपने बेटे को धन देने के पहले अच्छे संस्कार दो। अच्छा संस्कार रहेगा, कहीं भी रहेगा वो सुख से जीवन जिएगा और दूसरों के लिए भी अच्छा व्यवहार करेगा। आदमी का धन
पैसा धन नहीं है, संस्कार धन है, चरित्र धन है, स्वभाव धन है। आप सब और हम सब कह सकते हैं, हम सब अपने आश्रम से आए हैं। आप में बहुत लोग अपने अपने घर छोड़ करके आए हो यहाँ पर। आपका घर जहाँ है वहाँ है, घर में जो रुपया पैसा वहाँ है जहाँ है वहाँ पड़ा है, तो बैंक में होगा, तिजोरी में होगा, अलमारी में होगा, कहीं होगा, थोड़े बहुत होगा जेब में, पॉकेट में, 2-4 हजार, 2 हजार, 4 हजार बच जाए, बाकी सब पड़ा हुआ है। आपकी जमीन जहाँ है वहाँ है, आपका खेत जहाँ है वहाँ है। क्या आप लोगों में से कोई अपने मकान को लेकर क्या हो क्या, या धन सब धन को लेकर, जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर थोड़े आए, थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर आए, लेकिन क्या अपने स्वभाव को छोड़कर आए हो, अपने मन को, अपनी आदत को, अपने आदत को छोड़कर आए हो, अपने धर्म को छोड़कर आए हो? वो तो साथ में बना है ना, हर समय हमारे साथ जो रहे वो हमारा धन। और असली धन तो वह है हमारा, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो आग में जल नहीं सकता, पानी में गीला नहीं हो सकता, बाढ़ में बह नहीं सकता, चोर जिसे लूट नहीं सकता, कोई बंटवारा नहीं मांग सकता, वो हमारा धन। वो क्या है? हमारा धर्म, हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार और हमारा उज्जवल चरित्र। हर आदमी को, स्त्री पुरुष, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, साधु चाहे गृहस्थ हो, हर आदमी को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि आदमी के चित्र की पूजा नहीं होती है, आदमी के चरित्र की पूजा होती है। चित्र चेहरे, किसी का चेहरा सुंदर है इसलिए हम पूजा नहीं करते, उसका चरित्र सुंदर होता है इसलिए पूजा करते हैं। चित्र चेहरा चाहे जैसा हो, गांधी जी देखने में कितने सुंदर थे, लेकिन कितनी महिमा उनकी, और तमाम ऐसे, इसलिए चित्र नहीं चरित्र को सुंदर बनाओ। और एक बात और याद रखो, आदमी के करियर की पूजा नहीं होती, कैरेक्टर की पूजा होती है। करियर जितना बढ़ा सकते हो बनाओ, लेकिन करियर बढ़ता गया, कैरेक्टर गिरता गया, तो करियर साथ नहीं देने वाला है। कुछ दिन बाद तो रिटायर्ड हो गए ही, और यदि मंत्री अब बन गए तो चुनाव होने पर तो हटा दिए जाओगे, यदि कैरेक्टर गलत हुआ तो। करियर साथ नहीं देगा, कैरेक्टर साथ देगा। और कैरेक्टर चरित्र हमें निर्माण करता। वो अच्छे कपड़ा से नहीं बनेगा, अच्छा कपड़ा पहन लिए, खूब बाल संवार लिए, चेहरे पर मेकअप कर लिए, गहने पहन लिए, इसे चरित्र नहीं बनेगा, चित्र बन जाएगा बस। और हम चित्र को, चेहरे को, शरीर को संवारने का काम कर रहे हैं, चरित्र को संवारने का काम नहीं करते हैं। किसी एक लेखक ने बड़ी अच्छी बात कही है, अंग्रेजी का एक छोटा सा वाक्य है, ए ब्यूटिफुल ड्रेस कैन चेंज योर पर्सनालिटी बट ए ब्यूटिफुल बिहेवियर कैन चेंज योर लाइफ। अच्छा कपड़ा तुम्हारे शरीर को बदल सकता है, बाहर के पोशाक को बदल सकता है, किंतु अच्छा व्यवहार तुम्हारे जीवन को बदलेगा, जीवन को बढ़िया बनाएगा। और शरीर बढ़िया से बढ़िया कपड़ा हो, महंगा से महंगा कपड़ा, आजकल तो कपड़े ऐसे ऐसे महंगे आते हैं कि क्या कहा जाए। और आज दृष्टि केवल कपड़े पर है। अभी एक महीना पहले की बात है, मैंने पढ़ा, शादी हो रही थी, शादी होनी थी, बल्कि बारात आने वाली थी, बारात पहुंच भी गई थी। दुल्हन जो थी, दुल्हन उसके लिए
एक लहंगा भेजा 10,000 रुपये का। वो दुल्हन इतनी नाराज हुई, फेंक दी, बड़ा शादी तोड़ दी। इतना सस्ता कपड़ा मेरे लिए लेकर आई आए हो तुम, 10,000 माता का लहंगा था, मेरी शादी हो रही है। बारात आई वही कह दी मैं ये शादी नहीं कर सकती, इतना सस्ता कपड़ा मेरे लिए आया है। क्या समासा है। लेकिन याद रखो, अभी मैंने अभी अभी की बात क्या है, 7-8 साल पहले की बात होगी। एक जगह शादी हो रही थी और शादी में सब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, दूल्हा है दुल्हन है वर वधू बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते। दुल्हन की ड्रेस 56 करोड़ के, सोचो ही कभी, पता नहीं दुल्हन जो 56 करोड़ की ड्रेस पहनेगी ना तो जमीन से 4 फीट उड़ जाएगी ऊपर। लेकिन कितना भी बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन, 56 करोड़ नहीं, 56 अरब की भी ड्रेस पहन लोगे 24 घंटे बाद उतारना पड़ेगा तुमको। और चरित्र को बहुत हो गया चरित्र, अब उतार दो, क्या उतार पाओगे? बढ़िया से बढ़िया गहना पहनो, सोते समय उतारती जरूर होगी तुम लोग, पहनने पर गहना पहनने पर तो सोती तुम नहीं होगी, सोते हो क्या? उतारना पड़ता है। क्या चरित्र को उतार सकती हो? अब रात हो गई है, सोना है, चरित्र को निकाल कर अलमारी में धर दो। मैं अकेली जा रही हूँ, बाजार जा रही हूँ, मेरा चरित्र खो जाएगा, यह रख दूं? या कोई पुरुष सोच सकता है क्या? धन क्या है हमारा? ये मकान धन नहीं है, जमीन धन नहीं है, पैसे धन नहीं है, गहने धन नहीं है। धन है हमारा चरित्र, धन है हमारा आचरण, धन है हमारा स्वभाव। और वही बिगड़ा हुआ है तो जीवन ऊपर कैसे उठेगा, मन में शांति कैसे आएगी, प्रसन्नता कैसे आएगी? जिसका चरित्र बिगड़ा हुआ है वो आदमी कभी अंदर से शांत नहीं रहेगा, प्रसन्न नहीं रहेगा, हमेशा भयभीत डरा हुआ रहेगा। और जिसका चरित्र जिसका स्वभाव सुंदर है, अंदर से निर्भय निश्चिंत हमेशा प्रसन्न और आह्लादित रहता है। हम हर चीज अच्छा बनाना जानते हैं, बढ़िया भोजन बनाते हैं, बढ़िया कपड़ा बनाते हैं, बढ़िया गाड़ी खरीदते हैं, बढ़िया मकान बनाते हैं, बहुत कुछ बढ़िया बनाते हैं, जीवन को बढ़िया नहीं बना सकते। और जीवन को बढ़िया बनाना जानते ही नहीं है। कबीर साहब ने कहा है अच्छा जन्म बनाओ, साहब कहते हैं जन्म को अच्छा बनाओ, जन्म अच्छा कपड़ा से बढ़िया नहीं बनेगा, जन्म मतलब जीवन। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जन्म होता है, जीवन नहीं होता है हमारा। ऐसे माँ बाप माता पिता सिर्फ जन्म देते हैं, जीवन नहीं देते। जीवन हर आदमी को स्वयं बनाना होता है। जीवन कैसे बनाना है? माँ बाप राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, संत या गुरु सज्जन भक्त राय दे सकते हैं, देते ही हैं। ये सत्ता में क्या हो रहा है? राय तो दी जा रही है, बस मानना है या नहीं मानना है आपकी मर्जी। हम आपको केवल राय दे सकते हैं कैसे जीना है, कैसे जीवन बनाना है, लेकिन बनाना तो खुद को पड़ेगा। तो माँ बाप मात्र जन्म देते हैं, जीवन नहीं देते। जीवन स्वयं बनाना पड़ता है। जीवन बनता है अच्छे कर्म, अच्छा व्यवहार, सद्गुण सहचार, उज्जवल चरित्र और अच्छे स्वभाव से। और यही सबसे बड़ी पूजा है। इस पूजा के समान और कोई पूजा, दूसरी पूजा है नहीं। इसलिए जितना हम मकान को सजाते हैं, दुकान को सजाते हैं, गाड़ी सजाते हैं, शरीर को सजाते हैं, उससे बड़ी ज्यादा बढ़िया अपने मन को सजाने में समय देना चाहिए और उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। मन सजाने मतलब जीवन समान, मन सुंदर मतलब जीवन सुंदर। हमारा मन और हमारा जीवन अलग अलग नहीं है।
जैसा हमारा मन होगा वैसा हमारा जीवन होगा। और मन हमारे साथ हर समय रहता है और ये शरीर को कितना भी सजा लो अंत में इस शरीर को एक दिन मिट्टी में दफन होना है या आग में जल जाना है। होगा कोई हो, गरीब से गरीब हो, राजा बादशाह हो, एक दिन उसका शरीर मिट्टी में जाएगा, आग में जलेगा, चाहे साधु चाहे गृह सबको जाएगा। उस समय क्या साथ में रहेगा? इस शरीर के भीतर बैठा हुआ जो चेतन है, जीव आत्मा है, वो उसका ज्ञान है या नहीं है? उसका ज्ञान तो है ही नहीं बिल्कुल। जन्म खाली शरीर भर को देख रहे हैं, शरीर है तो खाना पीना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन अंत में शरीर तो मिट्टी में मिलना है ना, लेकिन जीव तो नहीं मिलेगा। और उसी जीव के कारण से सारा संबंध है। इस शरीर में जब तक जीव है तब तक माता माता है, पिता पिता है, पति पति है, पत्नी पत्नी है, बेटा बेटा है, गुरु गुरु है। और जीव निकल गया तब भैया मिट्टी पड़ी हुई है। जिससे रिश्ता था वो हंसा तो उड़ गया, अब तो मिट्टी पड़ी है, अब इसे ठिकाने लगा दो। तो जिससे रिश्ता था वो हंसा उड़ गया, उस हंसा का ज्ञान है या नहीं? तो ज्ञान तो है नहीं। याद रखो कितना प्यारा से प्यारा हो, जिसे हम छाती से लगाकर इतना प्यार करते थे और कहते थे कि तुम्हारे बिना मैं एक दिन जीवित नहीं रह सकता, एक दिन वो आता है, उसी शरीर को जब छूते हैं तो साबुन से हाथ धोते हैं, हम नहाते हैं, आना सब का आना है। और जिस शरीर जिसके लिए कहा जाता है कि तुम्हारे बिना मैं एक दिन जीवित नहीं रह सकता, उसके बिना आदमी वर्षों वर्षों जीवित रहता है। अर्थ यह है इस शरीर को तो आजकल में मिट्टी मिलना है। रिश्ता किससे है? शरीर से या शरीर में रहने वाले जीव से? वस्तुतः शरीर में जब तक जीव है तब तक इस शरीर से रिश्ता है। और जैसे जीव निकला फिर कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा, ना माँ माँ रह जाएगी, ना पिता पिता रह जाएगा, ना पति पत्नी रह जाएगा, ना पत्नी पत्नी रह जाएगी, ना बेटा बेटा रह जाएगा, ना गुरु गुरु रह जाएगा, और ना शिष्य चेला चेला रह जाएगा। फिर सबको मिट्टी हो जाना है। ये शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलना है। ये शरीर मिट्टी में मिले उसके पहले जिसके कारण से जिस मिट्टी का शरीर सोने के समान जान रहा है, सोने से भी महंगा है ये शरीर, किसके कारण से? उस हंस जो हंस इसमें बैठा हुआ, जो जीव बैठा हुआ है उसके कारण से। उस हंस का भी ज्ञान करना है। और जब उस हंस का ज्ञान हो जाएगा ना, जब तक उस हंस का ज्ञान नहीं होगा, उस जीव चेतन आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम केवल शरीर को सजाते रह जाएंगे, अपने स्वभाव कर्म आचरण को सजाने का ख्याल भी आदमी को नहीं होगा। और जब हंस का ज्ञान हो जाएगा तब हमारा पूरा व्यवहार बिगड़ जाएगा। जब दुनिया छोड़कर जाना है तो लड़ करके क्यों जाते हो? प्रेम करके जाओ, सेवा करके जाओ, छीन करके क्यों जाते हो? दे करके जाओ, जाना तो है, याद तो कर, जाने के बाद याद करेंगे। जब आदमी जाता है दुनिया से तो उसको कुछ दिन याद करते हैं। यहाँ कुछ पुरुष बैठे हैं और कुछ महिलाएं बैठी हैं। ये महिलाएं जरा सोच ले, फिर पुरुषों के लिए भी कहूंगा, ये महिलाएं जरा सोच ले, आप लोग तो रामायण की कहानी जानती होगी। रामायण में सीता है, सुमित्रा है, कौशल्या है, कैकेयी है, मंथरा है, शूर्पणखा है, और बहुत सी है। हर महिला जीवन जी रही है। अब किसका जीवन अच्छा है, किसका जीवन बुरा है, जैसा जीवन आप जी रहे हैं, जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कर्म कर रहे हैं, जरा सोचें,
जब आप नहीं रहेगी तब आपकी याद लोग सीता कौशल्या सुमित्र रूप में करेगी या आपके मन में अच्छा हुआ घर में एक मंथरा थी वो मर गई चलेगी, आपकी याद सूर्पनखा कहके मंथरा रूप में करिए। कैसा जीवन जी रही हो अपने अपने मन को मन से खुद समझ लेना किस रूप से याद करवाना चाहती हो, सूर्पनखा के रूप में कहके मंथर रूप में याद करवाना चाहती हो अपना, या सीता सुमित्रा कौशल रूप में याद करवाना चाहती हो। जो पुरुष बैठे हुए हैं उनसे भी निवेदन है, जो ऐसा जीवन जी रहे हैं जरा सोचो, जब नहीं रहेंगे तब आपकी याद लोग राम के रूप में करेंगे या रावण के रूप में करेंगे। दुर्भाग्य यह है आज मनुष्य आज पुरुषों में रावण ज्यादा पैदा हो रहे हैं, राम तो कोई कोई बन रहा हो रहा है। इन महिलाओं में सूर्पनखा भले कम हो लेकिन पुरुषों में रावण ज्यादा हो गए हैं। आज चार कहीं चले जाओ दुनिया में, कहीं चले जाओ आज तो घर घर में रावण बैठा हुआ है। राम तो खोदने के लिए जाना पड़ेगा। और जिस समाज में रावण जहां रावण की मात्रा ज्यादा है वो समाज की दशा क्या होगी समझा जा सकता है। मैं ये कह रहा था कि जाना तो है सबको लेकिन जाने के पहले सबसे प्रेम का सेवा का आदर का व्यवहार कर लो। और इसी शरीर संसार में रहते रहते जिसके कारण से शरीर सुंदर दिख रहा है उस जीव का भी ज्ञान प्राप्त कर लो। हमें शरीर नहीं है, जन्म पहले हमारा शरीर कहाँ था, मौत हो जाएगी शरीर कहाँ रहेगा, लेकिन जीव तो इस शरीर में बैठा जो जीव तो सब समय था ना। इसलिए जीव का ज्ञान करो, जब जीव का ज्ञान हो जाएगा तब शिव का भी ज्ञान हो जाएगा। ये शरीर क्या है, शव, एक होता है शव एक होता है शिव। ये शरीर शव है, इसके हृदय मंदिर में बैठा हुआ जो जीव है वो शिव है। और शिव का अर्थ होता है मंगल रूप, मंगलमय कल्याण रूप। इस शरीर में जब तक शिव है तब तक ये सब शरीर सुंदर दिखाई पड़ रहा है। जहां से शिव निकला ये तो सब हुआ, सड़ेगा गलेगा मुर्दा होगा। इसलिए उस जीव का ज्ञान करो। इस शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है, अलग से मिलेगा नहीं। परमात्मा मत खोजो, आत्मा को जान लो, स्वयं को जान लो। जब स्वयं को जान लोगे जीव को जान लोगे तो शिव परमात्मा अपने आप मिल जाएगा। अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुरू में अपनी बात मैंने रखी थी कि आज हम लोग गुमानी राम जी और उसके पूरे परिवार की ओर से जो एक नया मकान बनाया गया है उसके गृह प्रवेश और उद्घाटन के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। मैंने कहा था कि एकत्र होने का फल होता है आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ना और एक विश्वास दिलाना कि सुख में दुख में हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। प्रेम बढ़ा, विश्वास बढ़ा, निर्भयता बढ़ी, मैत्री भावना बढ़ी और सरलता विनम्रता बढ़कर मन में आनंद की धारा प्रवाहित हुई तो मिलना सार्थक होता है। मात्र औपचारिकता निभाने के लिए केवल लेन देन के लिए एकत्र हुए, अरे उसके यहाँ गए क्या खिलाया क्या क्या भेंट दिया, अब बुलाकर अपमान किया। घर वाले सोचते हैं अरे वो लोग आए क्या नेग लेकर के आए, कोई मतलब नहीं है। तो फिर आपके बाद जीवन में आनंद नहीं आएगा। क्या खिलाया नहीं, कैसे खिलाया इस पर ध्यान दो। क्या दे रहे हो इस पर ध्यान नहीं, कैसे दिया जा रहा है कैसे दे रहे हो इस पर ध्यान दो। प्रेम से प्रेम बढ़े इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चीजों को महत्व दोगे तो दुखी रहोगे, प्रेम को महत्व दोगे तो सुखी रहोगे।
चीज बढ़ रही है, प्रेम घट रहा है। महात्मा ने बताया एक जमाना वो था कि जब देहातों में, अब शहरों में भी पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, खपड़े के फूस के मकान हुआ करते, पक्के आज से 70 साल पहले पक्के मकान तो कहीं कहीं होते थे शहरों में, देहातों में बहुत मुश्किल। अब तो हर जगह पक्के मकान हो गए हैं, कच्चे कमरे, कच्चा मकान, छोटा मकान होता था। लेकिन छोटे मकान में 8, 10, 15, 20 लोग बड़े प्रेम से थोड़ी चीज में गुजारा करके, थोड़ी सी बस आधा पेट खा करके बड़े प्रेम से रहते थे। आज मकान पक्का बन गया, मकान बड़े हो गए, और बड़े मकान में भी थोड़े लोग प्रेम से नहीं रह पा रहे हैं। क्यों? पहले मकान छोटे होते थे, आदमी का दिल बड़ा होता था। आज मकान बड़ा हो गया है, आदमी का दिल छोटा हो गया है। क्योंकि चीजों को महत्व दे दिया गया, पैसे को महत्व दिया गया, जमीन को महत्व, जितना पैसे को महत्व दोगे दिल छोटा होगा, प्रेम को महत्व दोगे दिल बड़ा हो जाएगा। और एक दिन पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा, छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए पैसे की आवश्यकता है, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ भी, लेकिन आदमी आदमी के, पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, सास बहू के बीच में, ननद देवरान के, भावज के बीच में, गुरुशिष्य के बीच में जब पैसा आ जाएगा, कलह 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 बस हो जाएगा। रिश्ता कुछ भी हो, रिश्तों के बीच में प्रेम को महत्व दो। अब प्रेम को महत्व दोगे तो घर आना, घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। गुरुदेव जी की बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। गुरुदेव जी कहा करते थे, जब हम प्रेम का व्यवहार करते हैं तो जीवन में हमें स्वर्ग का आनंद मिलता है, और जब प्रेम करते हुए सेवा करते सबसे निर्मोह अनासक्त हो जाते हैं, किसी जीवन में कल्याण मोक्ष का अनुभव करता है। सबसे प्रेम दो, सेवा का व्यवहार करो, और सेवा का व्यवहार करके निष्काम रह जाओ, किसी जीवन में स्वर्ग मोक्ष दोनों फलेगा, और हमारा मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। जीवन जो सौभाग्य से मिला है सौभाग्य ही रह जाएगा, इसी के लिए मिलना जुलना होता है। इन बातों पर ध्यान दो। आप सबके लिए हमारी ओर से, संत समाज की ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। जहां हो प्रसन्नता से, शांति से, आनंद से स्वयं जियो, दूसरों से प्रेम सेवा आदर का व्यवहार करो, और कल्याण की ओर आगे बढ़ करके मानव जीवन का कल्याण करके जीवन सार्थक करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बस।